गुड मॉर्निंग क्वींस, कैसी हैं मेरी क्वींस? क्वींस, आज सातवें नवरात्रि में हम लोग अपने अंदर कौन सा ऐसा माँ का स्वरूप उजागर करने वाले हैं, जिससे कि हम मैं कौन हूँ प्रश्न के उत्तर के और ज्यादा करीब पहुँच पाए। मैं तो भाई जुटी हुई हूँ हर रोज अपनी क्वींस के साथ हर बीतते हुए नवरात्रि का महत्व शेयर करने में, और इसी कारणवश आज मैं अपने वर्किंग प्लेस, अपने हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट से ही वीडियो बनाना शुरू हो गई, ताकि देरी ना हो जाए मेरी क्वींस इस सातवें नवरात्रे से जुड़े हुए माँ के स्वरूप का महत्व जल्द से जल्द पहचान पाए और उन्हें अपने अंदर उजागर करने के हर प्रैक्टिकल नुस्खे को अपना पाए। चले, तैयार हो? आज सातवें नवरात्रि के दिन बारी आती है माँ काल रात्रि की। माँ काल रात्रि को माँ काली, माँ भैरवी, माँ रुद्राणी जैसे नाम भी दिए गए हैं। माँ काल रात्रि, जैसे कि इनका नाम है, कहते हैं कि इनका स्वरूप या इनका जो एक फिजिकल रूपरेखा, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो और भी ज्यादा भयानक है, और भी ज्यादा डरावना। क्या कोई माँ कभी डरावनी हो सकती है क्वींस? बिल्कुल हो सकती है। एक माँ अपने सबसे डरावने अवतार में आ जाती है जब उसे अपने बच्चे के अंदर छिपे हुए हर डर को डराना होता है, हर राक्षस, हर तरीके के डेमन का विनाश करना होता है। तब वह अपने सबसे भयानक, सबसे डरावने अवतार के अंदर आ जाती है, और वो होती है माँ काल रात्रि। माँ काल रात्रि का यही एसेंस, उनका यही महत्व हम सभी में, हम सभी एक एक क्वीन के अंदर छिपा है। क्वींस, हम भी अपने अंदर छिपे हुए हर तरीके के राक्षस, हर तरीके के दानव, यानी कि हर नकारात्मक सोच, चाहे वो किसी से घृणा करना हो, ईर्ष्या, किसी भी तरीके से किसी के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में देखना हो, या फिर हर तरीके का डर, चाहे डर हो मरने का, मृत्यु का डर, चाहे डर हो कभी भी बीमार पड़ जाने का, चाहे डर हो किसी को खोने का, चाहे डर हो कि मुझे शायद कोई फॉर ग्रांटेड ना ले ले, चाहे डर हो कि कहीं मैं अपनों से बिछुड़ ना जाऊं या मेरे अपने मुझसे रूठ कर मेरे साथ एक दूरी ना बना ले। बहुत किस्म के डर होते हैं जो अलग अलग तरीके की मानसिक त्रुटियों को जन्म देते हैं हमारे शरीर में। हर डर को, हर तरीके के नकारात्मक, नेगेटिव, गलत भाव को मारने के लिए जो हमारा सबसे भयानक स्वरूप हमारे अंदर ही उजागर होना चाहिए, वही स्वरूप है माँ काल रात्रि का। माँ काल रात्रि का ये स्वरूप प्रैक्टिकल टेक्निक्स अपनाकर बहुत इजीली हम अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला टेक्निक है क्वींस कि हम माँ काल रात्रि की वो शक्ति, वो ऊर्जा, जो एक्चुअल में हमारे हर परिस्थिति, हमारे सामने हर इंसान के आचार व्यवहार को तय करती है, उसे अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें, और उसी ऊर्जा से हम अपने चारों तरफ एक फिल्टर, एक छलनी बनती हुई देखें। कैसे ये ऊर्जा हमारे चारों तरफ एक ऐसी छलनी, एक ऐसी फिल्टर का विकास करती है, एक ऐसी फिल्टर को तैयार करती है, जो फिल्टर केवल और केवल सकारात्मक सुंदर भाव, सकारात्मक सुंदर अनुभव और हर तरीके से सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट ही हम तक पहुंचने दे। ये करना बहुत ही आसान है। हम आए दिन अदरवाइज भी बहुत सारी इमेजिनेटिव कल्पनाओं में, इमेजिनेटिव प्रोसेसेस में अपने आप को लीन रखते हैं क्वींस। क्यों ना हम इन इमेजिनेशंस का अब पॉजिटिव यूज करना शुरू करें? क्यों ना जब भी हमें किसी भी चीज का डर सताए, हम अपने अंदर तीन लंबी सांसें भरें, हर खिंचती हुई लंबी सांस के साथ हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड करता है। इनफाइनाइट स्पेस में, इनफाइनाइट
दिव्य ऊर्जा के अंदर हम अपने सांस को जैसे बटोरते हैं, अपनी ऊर्जा को बटोरते हैं, और जब हम उस लंबी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम एक तरीके के फिल्टर का निर्माण करती हैं अपने चारों तरफ, अपने परिवार के चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, या हर उस परिस्थिति के चारों तरफ, हर उस इंसान के चारों तरफ जिसके लिए किसी भी प्रकार का डर तुम्हें खाए चला जा रहा है। इस तरीके से लंबे सांस जब हम मात्र दो या तीन मिनट, घड़ी देखकर भी मात्र दो या तीन मिनट हम ये लंबे सांस की एक्सरसाइज को अपने पॉजिटिव इमेजिनेटिव प्रोसेस के साथ जोड़ते हैं, हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे हर डर से दूर चले जा रहे हैं क्वींस। हम देखते हैं कि हर डर कैसे हमारे लिए एक ऊर्जा का काम कर रहा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा जो हमें हमारे अध्यात्म के साथ और ज्यादा जोड़ती चली जा रही है, अपने अस्तित्व के और ज्यादा नजदीक पहुंचाती चली जा रही है हमें। दूसरा टेक्निक है जिसमें हम माँ की इस शक्ति को अपने शरीर के एक एक हिस्से में महसूस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम बिल्कुल अपने ध्यान मुद्रा में, जिसमें हम अपना सीधा हाथ अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखते हैं और अपने उल्टे हाथ के अंगूठे के ऊपर अपने सीधे हाथ का अंगूठा रख के कुछ इस तरीके से अपने गोद में रख के और आंख बंद करके बैठते हैं। ये आप कहीं पर भी कर सकती हैं, चाहे आप आराम से कहीं काउच पर बैठी हैं घर में, चाहे आप अपने ऑफिस का काम करके थक गई हैं और चेयर पर दोनों पांव को जमीन पर रखकर और आराम से इस मुद्रा को लेकर बैठी हैं आंख बंद करके, और इस मुद्रा में आते ही आप सांस पर ध्यान देना शुरू करेंगी। ये सांस लंबे या पर्पसली इन्हें खींच कर लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी तरह से आपकी ब्रीदिंग चल रही है, आपने केवल और केवल अपना ध्यान इस ब्रीदिंग पर फोकस कर लेना है। जब हम ब्रीदिंग पर ध्यान फोकस करते हैं और आराम से, शांति से चुप रहकर मात्र दो या तीन मिनट के लिए भी अपनी ब्रीदिंग को देखते हैं कि कैसे सांस अंदर गया और पेट की नाभि तक पहुंचा और फिर वही सांस बाहर आया, आप धीरे धीरे इस सांस का रास्ता मापना देख पाएंगी। कैसे कैसे ये सांस शरीर के किस किस हिस्से में जा रहा है आपको इमेजिन होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगी कि सांस की जो गति है वो भी धीमी पड़ती चली जा रही है और सांस की गहराई आपके शरीर में भी धीमी पड़ती चली जा रही है। यानी कि शुरुआत में सांस हल्के गहरे होते हैं, लेकिन जब हम दो से तीन मिनट के लिए इस तरह से शांति से बैठते हैं और अपने सांसों पर संपूर्ण ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे सांस शैलो होता चला जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि सांस नाभि तक जा रहा है, फिर वह हमारे छाती के मिड तक जाएगा, फिर धीरे धीरे हमारे गले तक रह जाएगा और अंत में आपको महसूस होगा क्वीन कि आपका सांस केवल नाक में ही अंदर गोते खा रहा है। जब आपकी ब्रीदिंग इतनी शैलो हो जाए कि आपका ब्रेथ, आपकी ली हुई सांस केवल नाक में ही रह जाए, आपको एहसास हो कि केवल मात्र इसी हिस्से में सांस अपनी उतार चढ़ाव कर रहा है, तो उस समय आंखें बंद करे हुए ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हमारा यहाँ, जहां से जो हमारा सिर का बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है, यहां से एक सफेद दिव्य शक्ति, या कहिए एक दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो कैसे हमारे इस पांच इंद्रियों के सिस्टम में एंटर करती है पर्पसली। वैसे भी यही ऊर्जा है जिसके कारण आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, आप सुन पा रही हैं, हम अन्य क्रियाएं करते हैं अपने पूरे दिन की, लेकिन जब हम इस तरीके का ध्यान लगाते हैं तो ये ऊर्जा बहुत ही संचालित तरीके से हमारे शरीर से आना जाना करना शुरू कर देती है। यानी कि और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से हमारे एक एक अंग को शक्तिवर्धक बनाती चली जाती है। जब ये ऊर्जा यहां से घुसती है तब आपने धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने शरीर के हर हिस्से में बहते हुए देखना है, महसूस करना है और हर हिस्से के साथ इस ऊर्जा को धन्यवाद देना है। जैसे कि हे मेरी दिव्य ऊर्जा, तुम मेरे सिर में हो, मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में तुम अपना पूरा दिव्य प्रभाव दे रही हो, और ये धीरे धीरे तुम मेरी आंखों में आई,
मेरी आंखों से होती हुई तुम मेरे पूरे चेहरे में फैल रही हो, एक दिव्य प्रकाश दे रही हो, एक दिव्य शक्ति दे रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दिव्य ऊर्जा, मेरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, तुम इतने संचालित तरीके से मेरे नाक में बह रही हो और ये मेरे मुंह में, मेरे गले से होते हुए तुम कैसे मेरे कंधों में जा रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपने संग इतनी सकारात्मकता, ब्रह्मांड की इतनी सारी ऊर्जा बटोरे, मेरे शरीर के एक एक अंग में, एक एक कण में, एक एक अणु में अपना प्रभाव दे रही हो। और इस तरीके से क्वींस, तुम एक एक हिस्से में इस ऊर्जा को महसूस करो, चाहे वो हिस्सा कितना ही अनटच्ड हो, कितना ही तुम्हारा ध्यान कभी भी उस पर ना गया हो, लेकिन इस एक्सरसाइज, इस प्रैक्टिकल टेक्निक पर कोशिश करो कि तुम अपने हर पैर के नाखून से लेकर अपने सिर के हर बाल के कण कण तक अपना ध्यान पहुंचाओ और उस ऊर्जा को भी हर तरफ प्रवाहित होता हुआ देखो। जब इस तरह से ऊर्जा संचालित तरीके से प्रवाहित होती है, एक बहुत ही कायदे के साथ संचालित होती है हमारे पूरे शरीर में, हमारे एक एक कण कण में, तो हमारा सर्वस्व खिल उठता है। हर तरीके का डर, हर तरीके की नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव हमारे शरीर से बाहर हो जाता है क्वींस। और हमारा शरीर ही क्या, हमारा मन ही क्या, तन ही क्या, हमारी आत्मा तक की शुद्धिकरण हो जाती है। हम इतना हल्का, इतना अच्छा एहसास होता है ना क्वींस, बिलीव मी, कि तुम्हें लगेगा कि तुम हर तरीके की बीमारी से भी छूटती चली जा रही हो। हर तरीके की नेगेटिविटी, चाहे वो बीमारी का रूप हो, तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग हो, किसी के लिए तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स हो, तुम्हें लगेगा तुम हर तरीके की डेमन का सामना कर पा रही हो केवल और केवल माँ काल रात्रि के इस रूप को अपने अंदर उजागर कर कर। क्यों, कितना सुंदर है ना हर बीता हुआ नवरात्रा। थैंक यू कि तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर बीतते हुए नवरात्रे के साथ क्वींस। जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी क्वींस के साथ किसी न किसी माता के स्वरूप का महत्व शेयर करना है, तो मैं लग जाती हूँ माता के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए और उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर देखने के लिए, अपनी क्वींस में देखने के लिए। और उसी कारणवश आज हम इतनी पॉजिटिव डिस्कशन कर पा रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को व्यर्थ मत जाने देना क्वींस। अपने अंदर माँ काल रात्रि, माँ काली, माँ भैरवी, माँ रुद्राणी के ये सभी स्वरूप अपने अंदर उजागर कर लेना और अपने आप को हर डर से रहित पाना। डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, हमारे दिमाग का हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी पांच इंद्रियों पर प्रकोपित एक कंट्रोल है और कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम इस दिव्य शक्ति को, दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर उजागर कर लेते हैं, हर डर हमसे कोसों दूर चला जाता है क्वींस। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और साथ ही साथ 28 अप्रैल को जो हमारा दिल्ली एनसीआर का सेशन है उसके लिए रजिस्टर करना मत भूलना। तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज मिल रही है ना, मुझे पूछो मत, बहुत खुश हूं मैं। और जिन जिन ने अपनी स्टोरी सबमिट नहीं कराई है, अपनी कहानी को, अपने जीवन के पथ को हल्का मत समझना, ऑर्डिनरी मत समझना, क्योंकि ऑर्डिनरी ही एक्चुअल में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। इसीलिए चाहे कितनी ही सहज, कितनी ही सुलझी हुई कहानी क्यों ना हो तुम्हारी, चाहे कभी तुम किसी न्यूज़पेपर में, कहीं किसी डिजिटल मीडिया पर तुमने अपना नाम कहीं उज्जवल होता हुआ नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी कहानी देखनी है। तुम्हारी कहानी को अन्य क्वींस तक पहुंचाना है, क्योंकि तुम बहुत खास हो क्वीन। ठीक है, अपनी कहानी शेयर करो, जल्दी से रजिस्टर कराओ। और अगर भाई ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर करो, इनको लाइक करो, अभी भी लाइक किए बिना बंद मत करना वीडियो। हाँ, YouTube पे जाके सब्सक्राइब करो, साथ के साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। Facebook, Instagram और Twitter पे भी हमें फॉलो करना मत भूलना, @DrShivangiMalatia। ठीक है, आई लव यू ऑल, बाय। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं दोबारा अगले नवरात्रे के दिन।